अगर आपको भी जानना है कैसे कि जो न्यू जो अपकमिंग जो है वीजा है, कैसे हॉस्ट वीजा जिसको बोलते हैं, जो कि अभी जो है सऊदी गवर्नमेंट ने जो है एक कैसे जो है हॉस्ट वीजा जो है इशू की है, जो कि बहुत जल्द जो है आने वाली है, उसका जो है एक न्यूज जो है उसकी दे दी है, उसकी क्या जो है फीचर्स है और किस तरीके से आपके लिए वो बेनिफिट हो सकती है और क्या क्या जो है उसमें आपकी जो है उसकी शर्तें हैं, तो ये सारी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कैसे कि जो होस्ट वीजा का जो अभी जो अनाउंस किया है उन लोगों ने, तो वो किस तरीके से वर्क करती है, क्या आपको उसका बेनिफिट है और किस तरीके से आप उसे यूज करके जो है आसानी से उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको सब चीजें जाननी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपके सामने एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो कि कैसे कि होस्ट वीजा जो के है अभी जो है उन्होंने अनाउंस किया है रिसेंटली, जो इसके बारे में अपडेट मैंने देखी, तो इसलिए मैंने सोचा जो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि उसकी जो होस्ट वीजा है वो क्या जो है कैसे जो है वर्क करती है या और उसके क्या जो है फीचर्स और किस तरीके से आप जो है वो ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आपको जगह जगह जाकर के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले बता दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। इसका फायदा दोस्तों ये होता है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करता हूँ डेली, वो आपको बाय डिफॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नजर आ जाएगी और आपको उसका काफी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं कैसे कि जो होस्ट वीजा है उसका जो है क्या जो है फीचर्स हैं और किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बताऊंगा कि ये जो कैसे कि जो होस्ट वीजा है ये अभी जो है रिसेंटली उन लोगों ने निकाली है। ये जो है एक तरीके से ये समझिएगा आप अपने जो है फैमिली मेंबर्स को जो है कैसे में बुला सकते हैं, कैसे में बुलाने के लिए आप जो है, लेकिन देखिएगा ये जो होस्ट वीजा है ये सिर्फ अपने 2 से 3 से 5 मेंबर्स को आप जो है बुला सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को आप जो है बुला सकते हैं। इसकी जो मैं अगर फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में इसके देखिएगा ये है कि आप जो है अपने 3 से 5 फैमिली मेंबर यानी कि आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं, आपके जैसे सिस्टर हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके जैसे कि ब्लड रिलेटिव जो है उनको जो है आप बुला सकते हैं। ठीक है, पहला फीचर्स ये होगा 3 से 5 मेंबर को बुला सकते हैं। और दूसरा ये है कि देखिएगा इसमें जो है आप ये थ्री टाइम्स इन 1 ईयर आप जो है एक साल में जो है 3 बार उनको जो है ये आपके लिए एक तरीके की मल्टीपल वीजा है। इसमें एक 3 बार उनको भेज और बुला सकते हैं एक साल में, जैसे कि उनको बुला लिया आपने 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए वो भेज के फिर दोबारा से उन्हें बुला लिया। तो इस तरीके से तीन इसकी जो वैलिडिटी है वो जो है इसकी 90 डेज है। इसकी जो 90 डेज तक ही आपको जो है यहाँ पर रख सकते हैं आप उनको, जो भी अपने फैमिली मेंबर हो उनको जो है आप 90 डेज तक रख सकते हैं और उसको अपने साथ ही रख सकते हैं जहां भी आप रह रहे हैं, किसी भी कंपनी में या किसी भी जो है अपना आपका रूम है तो वहां पर अपने साथ जो है उसको रख सकते हैं। 90 डेज की जो है इसकी वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स इन 1 ईयर आप जो है 3 टाइम्स इसको जो है इसको भेज और बुला सकते हैं उनको। तो 90 डेज तक ही रखना है आपको, 90 डेज के बाद घर भेजना पड़ेगा, फिर अगले महीने फिर आप उनको बुला सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी, देखिएगा इसकी फीस के बारे में बात करूं तो इसमें जो 500 सऊदी रियाल पर ईयर के हिसाब से जो है पर कैंडिडेट के हिसाब से इसमें जो है आपको पे करनी पड़ेगी। 500 रियाल जो है पर कैंडिडेट, यानी कि अगर 4 कैंडिडेट आपको बुलाने हैं तो आपको 2000 रियाल जो है पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे जो है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा इसके लिए आपको जो है आपको अपशेयर जो है अपशेयर के द्वारा आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अपशेयर पर अकाउंट है, कैसे बनाते हैं, क्या जो है उसके फीचर्स होते हैं, उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई, नहीं देखी होगी आपने तो देख लीजिएगा। अपशेयर पर अगर आपका अकाउंट है तो आप अपने आप से जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अपशेयर अप्लाई। ओके, तो इस पे जाकर के आप अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं इस पर। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं कि जो है ये के और क्या फीचर है इसके, देखिएगा आप जो है अपने फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं, हज या उम्रा के भी जो है उनको करा सकते हैं, हज एंड उम्रा भी उनको करा सकते हैं। लेकिन आपकी इसमें यह है कि हज अगर आप कराएंगे तो आपको तशरिया इधर बनवाना पड़ेगा, जो कि डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसे जो है बनवा करके हज और उम्रा भी जो है उनको करवा सकते हैं। उम्रा तो खैर करा ही सकते हैं लेकिन हज के लिए आपको जो है तशरिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कि हम और किसी सिटी में भी आप जो है इसमें घूम सकते हैं, जैसे कि आप जैसे कि जद्दा में आए हैं तो रियाद, दम्माम या कहीं भी जो है जा सकते हैं, यू कैन विजिट। एनी सिटी ओके। और इसके अलावा मैं बात करूं कि ये आपके अकामे पर ही जो आपकी आईडी पर आप ही एक तरीके से इसके कफील होंगे, यू विल बी द स्पॉन्सर, ठीक है। आपके अकामे पर ही जो है जो भी वीजा होगी ये आपके अकामे पर होगी और आप इसके स्पॉन्सर होंगे, जिसको कफील भी बोलते हैं। तो आप जो है 3 से 5 मेंबर बुला सकते हैं, ₹500 इसकी फीस होती है। और इसके अलावा ये 90 डेज के लिए वैलिड होती है, और 3 साल में 3 बार जो है अपने जो भी फैमिली कैंडिडेट को आपने बुलाया है उनको इन और आउट आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज है, और अप्लाई करने का मैंने बता दिया, आप जो है ऐप शेयर पर अकाउंट है आपका, तो उससे अपने आप से अप्लाई कर सकते हैं आप। और आपसे अप्लाई नहीं होगा, यू कैन सेंड योर ऑल डिटेल टू मी, आई विल अप्लाई फॉर यू एंड आई विल हेल्प यू। एंड इसके अलावा देखिएगा, हज एंड उमरा भी आप जो उमरा तो कर ही सकते हैं, लेकिन हज के लिए आपको तशरिया की जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ की वीजा होती है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आप उसे जो है बनवा सकते हैं, वो बन जाता है इजिली। और इसके अलावा आपको जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये हो गया। तो मैंने इसमें देखिएगा ये न्यूज जो है न्यूज मुझे मिली थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। लेकिन आपकी इसमें कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी आशंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी, जॉब से रिलेटेड, उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस। तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करता रहूंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका पता चल सके और दूसरे लोग आगे दूसरे लोगों के साथ ये चीज शेयर कर सकें। तो बहुत ज्यादा जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर को मैं अगेन जो है सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की वजह से ही चैनल इतना ग्रो हो चुका है, आप लोग इतना डेली कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस। तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसे मैं सॉल्व करता रहूंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेश्चन क्यूरी है इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी, जॉब से रिलेटेड, उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो प्लीज आप ऐसा करेंगे, मैं इसकी आशा करता हूं। और अगर आपके जैसे कि मैंने बताया था, आपके जो भी क्वेश्चन हुआ करें, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उससे यह होता है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन देखता हूँ, लेकिन कभी कभी जो है मैंने बताया था कि किसी रीजन से आपके जो है रिप्लाई देने में जो है एक थोड़ा सा डिले हो जाता है, उसके रीजन मैंने बता ही दिया था कि उसके पीछे का रीजन जो है कभी कभी मैं जॉब पर रहता हूँ और जो है हजारों मैसेजेस मेरे पास रहते हैं, तो एक दिन में रिप्लाई देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जितने भी रिप्लाई हो उनको मैं जो हूँ जल्द से जल्द जो है उनका रिप्लाई दे सकूं, और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो, मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड, उसे मैं सॉल्व कर सकूं। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझेंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा डिले हो जाए करे तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंट रखा करें, क्योंकि मैं वैसे तो पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के जितने भी रिप्लाई है वो जल्द से जल्द दे दूं और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी हो उसे मैं सॉल्व कर दूं। लेकिन फिर भी जो है उसके पीछे का मैंने रीजन आपको बता दिया, और उसके लिए मैं आपसे जो है बोलता भी रहता हूँ कि आप जो है जो लाइव स्ट्रीम है उससे भी जुड़ा करें। उससे जुड़ने का ये फायदा होता है दोस्तों कि मैं जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, अगर वो दूसरों के भी वही क्वेश्चन होते हैं तो उनके क्वेश्चन का रिप्लाई उनको हाथों हाथ वहीं का वहीं मिल जाता है, वो चीज को उनकी प्रॉब्लम वहीं से वहीं सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए वो जो भी आपके क्वेश्चन क्यूरी हुआ करें उससे मुझसे पूछा करें, जिससे कि मैं आपकी सारी जो भी क्यूरी है उसे मैं सॉल्व कर सकूं और सॉल्व करके जो है उसको आपको बता सकूं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका पता चल सके। अगर वो जो है यूट्यूब पर अभी देख रहे होंगे तो उनको जो है कैसे होस्ट वीजा के बारे में तो वो अभी जो है जान पाएंगे, और जान करके वो आसानी से जो है दूसरों को भी बता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी जो है नॉलेज की चीज है जब तक अपने तक होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, जब हम दूसरों तक उसको पहुंचाते हैं तभी जो है उसका फायदा होता है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा होगा और दूसरे लोग आगे दूसरे लोगों के साथ ये चीज शेयर
कर सकेंगे। तो प्लीज आप जो ऐसा कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जो है बनाता रहता हूँ, जो भी न्यू लेटेस्ट न्यूज मिलती है उस पर मैं टॉपिक पर बनाता हूँ, तो आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।